हेलो फ्रेंड्स, आज हम पनीर भुर्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिए हैं और पनीर को भी इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस कर लें। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगेगा तो इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम टमाटर को भी डाल के 2-3 सेकंड चला लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। अब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्रश किया हुआ पनीर भी इसमें डाल के 2-3 मिनट अच्छे से चला लेंगे। तो हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गई है। इसको धनिया की पत्ती के साथ गार्निश करें और इस आसान सी रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और गर्मा गर्म पनीर भुर्जी को इंजॉय करें। धन्यवाद।